हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने डेस्कटॉप में सिग्नल ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपके पास कोई भी डेस्कटॉप, कोई भी लैपटॉप है, आप उसमें अपने कोई भी जो आप ब्राउज़र यूज़ करते हो उसको ओपन कीजिए। और ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करें signal.org not .com, क्योंकि कुछ लोग जो है वो .com यूज़ कर रहे हैं, लेकिन .com यूज़ मत कीजिए। signal.org जो है यूज़ कीजिए। जब आप signal.org टाइप करोगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइए। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड एंड्रॉयड आईफोन एंड आईपैड विंडो मैक एंड लिनक्स। सो आप कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, चाहे लिनक्स है, मैक है, या विंडो है, आईफोन, आईपैड या एंड्रॉयड, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है सिग्नल ऐप यूज़ कर सकते हो। सो मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नल फॉर विंडो। सो अब मैंने विंडो के लिए यूज़ करना है, सो मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड फॉर विंडो। सो ये अभी डाउनलोड होने लगा। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, 116 MB का सॉफ्टवेयर है और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा डाउनलोड होने के लिए। तो और अभी सो थोड़ा वेट करते हैं तक ये डाउनलोड हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये डाउनलोड हो गया। और अब हम इसको डाउनलोड होने के बाद इस पे आप जो है इसको इंस्टॉल करेंगे। और अभी ये डाउनलोड हो गया तो इस पे डबल क्लिक कीजिए आप। डबल क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये देख सकते हो विंडो पे यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा इंस्टॉल होने में, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। और इसके बाद जो है आपने जो है अगला स्टेप इसके लिए करना है, आपने अपने फ़ोन पे जो है सिग्नल ऐप को इंस्टॉल करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद जो है अपना जो है प्रोफाइल पिक्चर पे जाएंगे लेफ्ट साइड को अपने फ़ोन के, वहाँ पे क्लिक करना। आपने क्लिक करने के बाद जो है आपका सिग्नल ऐप जो है उसकी लिंक डिवाइसेस जो है एक ऑप्शन आपको इसमें मिलेगी। सो आपने लिंक डिवाइसेस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका डेस्कटॉप जो है सिग्नल ऐप ओपन हो जाएगा, इसमें आपको इस तरह कुछ पेज ओपन होगा, लिंक योर फ़ोन टू सिग्नल डेस्कटॉप। और ये आपको जो है स्कैन कोड, QR स्कैन कोड यहाँ पे दिखाई देगा। और इसमें आपको नीचे ऑप्शन है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो इस तरह का ऑप्शन आपको जो है थिंग्स फॉलो करनी है। और अगर आप iOS यूज़ करते हो तो इस तरह का जो है आपको जो है सेटिंग्स फॉलो करनी है। सो जब आपके पास ये QR स्कैन कोड आ गया, आप अपने आपने अपने मोबाइल पे जो है सिग्नल ऐप को ओपन करना है। उसके बाद जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड को जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पर क्लिक करना है। उसमें नीचे आप स्क्रॉल करके जाओगे, आपको लिंक डिवाइसेस की ऑप्शन मिलेगी, आपने उस पर क्लिक करना है। उसमें आगे ऑप्शन आएगी आपको लिंक न्यू डिवाइसेस स्कैन QR कोड। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है कैमरा ओपन हो जाएगा। आपने उस कैमरा को अपने स्कैन जो है डेस्कटॉप जो जो है स्कैनर है इसके सामने रखना है। उसके बाद जो है जब आप इसको वो करोगे अपने डेस्कटॉप के सामने, जब अपने फ़ोन को रखोगे तो उसमें लिंक न्यू डिवाइस की जो है ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे जो आपका जो फ़ोन का सिग्नल ऐप का डेटा है वो आपका जो है डेस्कटॉप जो है सिग्नल ऐप पे सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह की ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगी, चूज़ द डिवाइस नेम। सो जो आपका फ़ोन पे सिग्नल ऐप का नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने फिनिश लिंकिंग फ़ोन जो है उस पर क्लिक करना है। और आपका जो है थोड़ी देर में जो है आपका ये जो है सिग्नल ऐप डेस्कटॉप है जो सिंक हो जाएगा। सारा जो जो भी डेटा आपके उसमें है फ़ोन में वो आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। मेरे मेरे पास ज़्यादा डेटा नहीं है और तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो आपके लिए भी उसमें थोड़ा सा टाइम देना है आपने। उसके बाद ये जो है सिंक हो जाएगा और अपने आप इसको अपने डेस्कटॉप पे अपने फ़ोन पे यूज कर सकते हो। और ये ईजी है यूज़ करने के लिए, व्हाट्सएप से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सिक्योर है। सो आई होप गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।